लवजिंदर सिंह। लवजिंदर, उम्र कितनी थी? 31 साल। 31 साल। और कहाँ से हो? खन्ना लुधियाना। क्या तकलीफ थी? लेफ्ट लेग दे विच बहुत ज्यादा पेन सीगा जी, राइट दे विच थोड़ा जिहा नस दी प्रॉब्लम। कितने दिन हो गए? जिहड़ी ज्यादा पेन है जी, ज्यादा प्रॉब्लम है, 3 महीने तो वैसे 1 साल। 1 साल से? हाँ जी। तो फिर चल नहीं पा रहे थे? हाँ जी, 3 महीने तो बहुत बुरा हाल था। तो दवा वगैरह थे? हाँ जी, बहुत डॉक्टर को जी बहुत ज्यादा। ऑपरेशन वैसे? हाँ जी हाँ जी। तो ऑपरेशन कराया क्यों नहीं? कराया जी, बस इदा सी, पहला इदा सी कि सर्जरी इदा ही, फिर जो तो ऐसा पता लग गया कि करवाने पैना, बस फिर जितों जो बेस्ट ने उ करवा तैयार नहीं वो तो ये सोचे ही करवाई का पेन जिन्ना मर्जी हो जाए करवाने का, क्योंकि मैं वीडियो देखता सी जी। अच्छा। तो फिर मन मुनिया वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट होया, फिर ऑपरेशन हो गया। हाँ जी बिल्कुल। आज सुबह हुआ? हाँ जी हाँ जी। 20-25 मिनट लगे। दर्द कैसा हुआ? दर्द बिल्कुल चले। कैसा लग रहा है? ये वाली उठाओ, ठीक है? बैठो बैठो। लवजिंदर चल दे दिखाओ। कैसा लग रहा है? बिल्कुल। पहले चल पा रहे थे? बहुत मस्त। आओ आओ आओ, ठीक है? जमीन में बैठो, चौकड़ी मार। कब से नहीं बैठे? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। कैसा लग रहा है? ठीक है। आ जाओ। सो लवजिंदर है, आज इनका भी सुबह हमने ऑपरेशन किया, L4-L5 एक्सट्रूडेड डिस्क। 1 साल से तकलीफ, 3 महीने से इतनी ज्यादा, कुछ कदम से ज्यादा चल नहीं सकते। मॉर्निंग में L4-L5 आउटसाइडिंग टेक्निक इंडोस्कोपिक से किया। मैं आपको एमआरआई दिखाता हूं। नाउ यू सी, दीज आर द सर्जिकल कट्स। कैन यू सी L4-L5? देयर आर 2 फ्रेगमेंट्स, वन इज दिस एंड वन इज डाउनसाइड दिस। एक्सियल में देखेंगे L4-L5, ये पड़ा हुआ फ्रेगमेंट्स। तो लवजिंदर से पूछते हैं, अभी सुबह हमने ऑपरेशन खत्म किया 25-20 मिनट के बीच में। लवजिंदर कितनी तकलीफ थी 1 साल से? हाँ जी। बिना बेहोश ऑपरेशन हुआ? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हो 1 साल से जो इतनी तकलीफ झेली? अभी सुबह चाय कॉफी वगैरह पी ली? नहीं अभी? हाँ जी हाँ जी पी ली बाद। तुसी दसो थोड़ा केयर फीलिंग फील कर रहे हो, पेन कितना है, कैसे पहले 3 महीने तो बैठे बैठे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर मेनू पासा भी फड़ के ही दवाया जाता है, पैर सुन्न हो गए। बट फिर जो जिथे भी मैं गया सर्जरी दसी, तो सर्जरी तो डर लगता है। ओपन सर्जरी दसी? हाँ जी हाँ जी ओपन सर्जरी। पर तुसी इंडोस्कोप क्यों कराना चाहते थे? इंडोस्कोपी की ऐसा ही आजकल देखो यूट्यूब का जमाना, तो पता भी नहीं सी, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोला, मैंने इंडोस्कोपी के बारे पता भी नहीं सी। मैं ऐसे मरीजों मिलता सीगा जिन्होंने 20-25 साल हो गए ऑपरेशन करवाई नहीं है इन्नी तकलीफ च, हर कोई कहता करवाओ ना करवाओ ना, बिकॉज उन्होंने ये सर्जरी बारे नॉलेज ही नहीं है। तुसी इंडोस्कोप तोड़ा हो चुके? हाँ जी। आज तुम्हें कितना फील कर रहे हो? कोई बेड नहीं है? बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल? हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन के दौरान सुबह कितना अंदर में पेन होगी? पेन जी देखो कोई ज्यादा पेन नहीं है, उन्होंने बंदा अपने बर्दाश्त कर सकता। पैर का दर्द वाली दर्द से घट थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वही जो मैंने कोई पूछता सी जो मैं एडमिट सी पेन, मैं जिन्नी पैर की दर्द की या बैक की जो पेन सी उदो तो कट्टे होगी, जो थोड़ा टाइम हो भी जाओगी कितने रोज कितने महीनिया की आप पेन चल रही है। तो थोड़ा 1 साल से जो तुम्हें तकलीफ थी, हाँ जी आज वो खत्म होगी? खत्म होगी। तो अच्छा काम क्या करते हो? काम जी मेरा सिंगिंग है। अच्छा। हाँ जी, 4-5 साल तो मैं प्रोफेशनल सिंगर फॉरन के परफॉर्म कर चुके, बहुत गाने आ चुके ने। तुहाडे अपने कैसे ने? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते मेरे नाम की तरह यूट्यूब का, हाँ जी जसजीत एंटरटेनमेंट के उत्ते मेरे गाने ने।
ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਉਹਦੇ according 20 kg ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਾਓ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੋ 1 ਸਾਲ ਸੇ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲਰਾਈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇਹ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ दो फ्रेगमेंट से एक बड़ा सा फ्रेगमेंट डाउनसाइड माइग्रेटेड था बट इंडोस्कोप से फायदा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ करीब 95% मैं समझता हूँ केसेस जो है डिस्क प्रोलैप्स के चाहे वो सेंट्रल डिस्क हो पैरासेंट्रल हो फोरामिनल हो एक्स्ट्रा फोरामिनल हो अपवर्ड माइग्रेटेड हो डाउनवर्ड माइग्रेटेड हो आप सेफ हैंड में और एक्सपीरियंस हैंड में बड़े आराम से आप कर सकते हो और ब्यूटी क्या है अभी सुबह खत्म किया मैंने और चल नहीं सकते थे नाउ यू कैन सी टोटली ही इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स एंड हैप्पी एक छोटी सी बैंडेड लगी है किसी भी तरीके की कोई बेल्ट नहीं हाँ प्रिकॉशन जरूर इनको रहेंगे जैसे भागना नहीं है दौड़ना नहीं है वेट नहीं लिफ्ट करना है ट्विस्ट नहीं करना है और वॉक जितना चाहे कर ले नॉर्मल एक्टिविटीज और खासकर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने काफी लोगों ने देखी है जो यंग मैरिड कपल्स के साथ मैरिड हाँ एटलीस्ट जिनकी सर्जरी हुई है उनको थोड़ी सी फैमिली जो इंटीमेसी है उनकी हस्बैंड वाइफ की उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 months क्यों क्योंकि रिकरेंस के चांसेस होते हैं टीयर काफी बड़ा था नॉर्मल हीलिंग में करीब 3 महीने का टाइम लगता है तो अगर ये प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो लाइफ इज बैक टू नॉर्मल सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू